कैसे आप सभी लोग, आपका स्वागत है डब्बू की दुनिया किटो की मस्ती में। डब्बू गया है आज 15 दिन बाद स्कूल, और ये है हमारा महल। ये बिल्डिंग और ये बिल्डिंग, ये जॉइंट है, एक ही कंपनी की बिल्डिंग है जिसमें हम रहते हैं। और ये बेसमेंट है, अक्सर हम यहीं से आते जाते हैं। और इधर साइड थोड़ा अंदर जाकर जिम है। डब्बू बहुत दिनों बाद स्कूल गया है, डब्बू आने वाला है स्कूल से। ये देखो एक प्यारी बहन अपने भाई का इंतजार करते हुए। किट्टू डब्बू भैया कहाँ है, भैया कहाँ है, भैया किसी करो, भैया को किसी करो, फ्लाइंग किस करो, जल्दी किसी करो, ऐसे करो, हाँ करो, किसी करो जल्दी किसी करो। अब ये खेल रही है, अब ये फ्लाइंग किस करना सीख गई है, और ये बताना भी सुसु करके बताना सीख गई, ए ए ए कि मैंने सुसु कर दिया करने के बाद बताना सीख गई है, पहले नहीं बताती। छीछी बेटा हमारी नहीं है। ये देखो किटो बड़ी हो रही है, और किटो अब कैसी कैसी हरकतें कर रही है, इस पे चढ़कर भी गिरने वाली थी। हाँ, और यहाँ पर ना मॉर्निंग में बड़ी सर्दी लगने लगी है, मुझे तो अब बहुत ज्यादा लग रही है, घर में नहीं लगती। पता नहीं क्या क्या पड़ा है इस वैन के अंदर, ये बार बार उठा के दे रही है मेरे को, मैं फेंके जा रही हूँ। भाई कहाँ है, भाई कहाँ है, बब्बू भैया कहाँ है, बब्बू भैया किट्टू, बब्बू भैया कहाँ है, बब्बू भैया, ए छी गंदी चीज लाडो, नो छी। अब इस टाइम मैं कह सकती हूँ बहुत सुंदर शहर देश है बहुत, क्योंकि यहाँ पे ना मौसम अच्छा हो गया, वरना गर्मी में तो यहाँ पर आप खड़े भी नहीं हो सकते, और बहुत ही बेहतरीन हो रहा है। इंडिया से तो कम ठंड है, पर हाँ अच्छी ठंड है। बैठ जाओ, बब्बू को शाह गया स्कूल से, अब इनको भी यहाँ बैठना था बहन के साथ, सो रहा था ये। हाँ ये देखो बेचारी कहाँ बैठ रही है बैठ गई नीचे किट्टू चले बेटा घर पे, ऊपर चले प्लीज। क्या किया स्कूल में आज आपने, आप इतने दिनों बाद गए थे, क्या किया? अच्छा पता चल गया यहाँ बैठना किट्टो को, क्या किया था स्कूल में, क्या किया? हाँ नहीं बदतमीजी नहीं करते बेटा, अब चले अपने घर, अब अपने घर में बदतमीजी करना, चले चलो बस करो, ऐसे नहीं टच करते। नहीं डब्बू बड़े मुश्किल से निकाल के लाई हुई उस ट्रक के अंदर से, जाओ चलो चलो चलो, फिर फंस जाओगे लिफ्ट के अंदर, चलो किट्टो चलो आओ, लेट्स गो बेटा अपने घर चलो, गंदी बात आओ अंदर आओ, ये बाहर रह गई थी। और ये आते के साथ डब्बू ने शुरू कर दी अपनी खेल। देखो मैं इसको मार रही हूँ, अपने पापा को मार रही हूँ। ऐसे मारोगे? मारूंगी अब। ऐसे मार रहे, ऐसे मारोगे? ऐसे मार ली मम्मा। अभी वो कुछ बोलने लगी है, अब ये ऐसे मारो, ऐसे मारेगी, ऐसे मारेगी, माइंड बदल गया उसका, वो बोल रहा है टीवी चला दो, सॉरी चला दिया, टीवी चला दो किट्टू ऐसे मार रही मम्मा, मैं इसको मार रही, पापा को मार रही है, ऐसे मारते हैं किट्टू, शाम होते होते वैसे हो जाऊंगी बेहाल, टीवी देखना है इसको, बहुत मुंह चलने लगा है, बहुत बोलने लगी है ये बेचारा, बब्बू गोशा थक के सो गया, मैंने कोशिश करी इसको ना सुलाऊं रात को, साथ सो जाए, ये 4 बजे से सो रहा है, 6 बजे है। पापा की परी, तुम्हारी एक आंख बंद है, छोटे बड़ी क्यों आ रही है मार क्यों नहीं रही तुम्हें, मार क्यों नहीं रही, मैं इसको मार रही हूँ, अपने पापा को मार रही हूँ। मामा मार ली है, मामा मार ली आपको, मामा मार ली है, बाबू को मामा मार ली है,
कल डब्बू इसको सुबह कल डब्बू मार रहा था तो या भाई मार रहा उंगली दिखा के बकायदा उंगली दिखा के भी बताती है हर चीज सुसु कर यही सुसु करके बताएगी यही मैंने कर दिया लो किटो फेंक दो डब्बू किटो फेंक दो लो डस्टबिन में फेंक दो कम ऑन जाओ डस्टबिन में फेंक दो अब बहुत चीजें सुनने लगी समझने लगी मेरी बेटी तो आज बब्बू स्कूल से आ गया आज तो कोई मस्ती नहीं गई क्योंकि वो स्कूल गया था बहुत दिनों बाद वो थक गया बेचारा मोबाइल चलाया और फिर वो सो गया 4 बजे वो सोया मैंने खाना वाना खिला दिया थोड़ी देर खेला था फिर किट्टू को मारा पीटा फिर वो सो गया 4 घंटे से सो रहा है 8 बज रहे हैं ना 7:30 हो गए हैं तो अब डब्बू सो रहा है मैं बना रही हूँ शाम का खाना रात का खाना 7:30 हो गए मैं बना रही हूँ चने की दाल के चावल अपने लिए सुबह बनाई थी मैंने हरी वाली प्याज तो वो रखी है वो मैं इनके लिए बनाऊंगी रोटी बहुत ही टेस्टी बनी थी उठ गया क्या डब्बू उठने की कगार पर है बहुत टेस्टी बनी थी और यहाँ सुबह के लिए बॉईल कर रही हूँ मैं आलू डब्बू को आलू के पराठे बहुत पसंद है बहुत ज़्यादा दिन रात आलू के पराठे तो मैं सुबह के लिए आलू का पराठा बनाऊंगी पर दिक्कत क्या है कि बेचारा गरम गरम पराठे खाता है गरम गरम खाना खाता है पता नहीं स्कूल में कैसे खाता होगा आधा लंच खाकर आया था आधा बचा कर लाया था बना रही हूँ खाना जल्दी से झटपट ऐसे ही बना लूंगी मैं फटाक से डब्बू उठने वाला है तो ये देखो मैं चने की दाल के चावल बनाने के लिए मैंने पतीला रख दिया इसमें मैंने आलू उबाले हैं जब अभी मैंने बताया चने की दाल उबाली और यहाँ मेरी प्याज कट गई और ये बना रहे हैं ऑमलेट अपने लिए ठीक है अभी मैंने ताजा ताजा आटा गूंदा है ओके और चावल फ्लो के रखे हैं बहुत सारी काम करे मैंने 5 मिनट के अंदर अंदर 10 मिनट के अंदर सुबह बनाने वाली हूँ मैं साबुदाने की खिचड़ी और इसमें ये घिया काट के रख दिया मैं सुबह घिया चने की दाल बनाऊंगी रात को तैयार करके रख दी मैंने इसमें ये दही के डब्बे हैं इसमें रखा है ऑयल रिफाइंड ऑयल जिसमें मैं पकौड़ी वगैरह पूड़ी पकौड़ी बनाती हूँ तो बचा हुआ इसमें डाल देती हूँ और इसमें जैसे कि नगेट्स वगैरह फ्राई करती हूँ तो नॉन वेज वाला तेल है और ये वेज वाला तेल है बचा हुआ और ये देखो क्या चाहिए फ्रिज के अंदर से कह रही फ्रिज खोल दो ओके लो खोल दिया क्या चाहिए और इसने देखो क्या नीचे क्या बिखेर रखा है आलू नहीं सिर्फ आलू और संतरा मेरा तेल गर्म हो गया मैं बनाती हूँ जल्दी से तो ये खाना आ गया हमारा दाल रोटी और प्याज तो जब आपके पति लोग जब आपके किचन में हेल्प करते हैं ना इतना अच्छा लगता है ना ऐसा लगता है बस अब इससे बेस्ट कुछ है ही नहीं पर जब ये लोग गंदगी करते हैं ना ऐसा लगता है इससे तो अच्छा यार हम खुद ही कर लेते तो ही अच्छा रहता अभी गए थे हेल्प करने के लिए तो एक्स्ट्रा गंदगी करके आए हैं अभी पिछले हफ्ते इन्होंने बिरयानी बनाई चिकन और बिरयानी बटर चिकन 2.5 घंटे लगाए इन्होंने बनाने में मेरे पेट में से ऐसी आवाज़ आने लगी ना गुड़ 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 एक तो ये था कि भाई ये बना रहे हैं ऊपर से 2.5 घंटा मैं 1 घंटे में बना लेती इनके ऐसी एक्सप्रेशन की वजह से ना हमारी टिकटॉक पे वीडियो वायरल हुई थी जिसपे 2.5 लाख व्यूज आए थे 2.5 लाख फिर हम लोग इंडिया चले गए इंडिया में क्या हुआ डब्बू के नामकरण के लिए गए थे हम लोग और वहाँ पे लॉकडाउन लग गया और हम वहाँ फंस गए बहुत बुरे फंसे थे वहीं हमारा उगता हुआ सूरज वहीं डूब गया टिकटॉक बैन हो गया और हम भी बैन हो गए हमारी वीडियो भी बैन हो गई हमारी 3-4 वीडियो वायरल हुई थी है ना और डब्बू ने कर दिया कांड ये सो रहा है इतनी गहरी नींद में और सही में कर दिया काम चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लाइक करो सब्सक्राइब करो जिसको करना है करो जिसको नहीं करना मत करो पर कोई बात नहीं मैं वीडियो बनाती रहूँगी बाय बाय